दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल में। दोस्तों तो आज का पार्ट है हमारा पार्ट 11। तो इस पार्ट में हमने फिर से अपने आगे जाने के रास्ते की बात हुई थी, तो हम वहीं पे जाएंगे। देखो दोस्तों हमें मिला है स्ट्रेंथ अटैक। तो स्ट्रेंथ अटैक मतलब हमें बोल्डर्स को हटाना है, तो हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे होंगे बोल्डर्स। हमें ढूंढने हैं बोल्डर्स। यार भाई कुछ ज्यादा पैसे होते तो हम यहाँ से चीज ले सकते थे। यहाँ पे सारे मेगा स्टोन्स हैं, क्योंकि मुझे मेगा स्टोन खरीदने थे यार। मुझे चाहिए था 40,000 मेगा वाय और एक पिजियोटो के लिए चाहिए था पिजियोट स्टोन, ताकि मेरे 3 पोकेमोन मेगा इवॉल्व तो कर सकते। टोटल मेरे पास 4 पोकेमोन मेगा एवोल्यूशन वाले हैं, एक को छोड़कर जो है रोटोम तो होगा भी नहीं। अरे यार इन्होंने ब्लॉक कर रखा रास्ता, पर इस बार तो रास्ता ढूंढ कर रखेंगे। ऐसे करते हैं पिछले सिटी चलते हैं। तो दोस्तों हम चल रहे हैं फटाफट। तो ये दोस्तों हमारी पिछली सिटी ही है यार। हम देखो 4 रास्तों से गए थे। इस रास्ते से हम आए थे, इस रास्ते से अगली सिटी गए थे, इस रास्ते के ऊपर ब्रिज है। हमने अभी तक ये रास्ता एक्सप्लोर नहीं किया, हम यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। पहले यार पोकेमोन चेंज कर लें यार। मैं सोच रहा हूँ कि पोकेमोन सेंटर भी इधर किधर मिल जाए। हाँ मिल गया। अब देखते हैं पोकेमोन सेंटर में हमारे पास कौन से एजिबल पोकेमोन हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो कौन सा पोकेमोन हटा दें? ग्रेनिंजा पिजियोट हटा देते हैं अभी के लिए। स्टोर कर दिया पिजियोट को। तो भाई लोग ये रहे हमारे पोकेमोन। क्रैबी तो हटा दो यार, क्रैबी की तो कोई जरूरत भी नहीं है, रिलीज कर दो इसे। तो बाय बाय। तो मेरे पास किंगलर है 40 लेवल का, लैप्रेस, और हम लेते हैं एरोन को। एरोन शायद सीख सकता है स्ट्रेंथ, अगर सीख गया तो बहुत अच्छी बात है यार। एक पोकेमोन तो चीज सीखे कोई। एरोन सीख सकता है स्ट्रेंथ। चाह करके मैं छा बना चाह 2 कप। तो एरोन सीख गया स्ट्रेंथ। चलो अब चलते हैं। कितने छोटा पोकेमोन लग रहा है ना एरोन, सब बड़े बड़े। एरोन छोटा। अरे क्या बात, मिल गया रास्ता बोल्डर्स को हटा सको। लो मिल गया रास्ता जाने का। अब यहाँ पे कर लो गेम को सेव। चार्जर होल्डिंग समथिंग पोशन। एक पोकेमोन मैच। यार कोई पोकेमोन मेगा इवॉल्व नहीं, पैसे ही बड़े कम थे हमारे पास। ड्रैगन टेन से हमला करते हैं, मतलब ड्रैगन क्लॉक। तो नेक्स्ट पोकेमोन है इसका अच्छा हमें डराने की कोशिश।
रॉक स्लाइड। ऐसे करते पोकेमोन सेंटर चलते हैं वापस। बोल्डर को हिलाकर पोकेमोन सेंटर को कराता हूं मैं अभी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वापस। चलो अरे यार मुझे नहीं चाहिए ऐसे गंदा पोकेमोन। अरे यार पकड़ लिया इसने। लैरियन मेगा एवोल्यूशन। अरे यार आयरन हेड में से मुझे अब आगे रखना चाहिए ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा लड़ सकता है मेटल साउंड। क्रंच रॉक स्लाइड थर्टी फाइव रोटॉम। हो गई एचपी फुल। अब करते हैं पोकेमोन चेंज। ग्रेनिंजा आगे रहेगा आपसे। मेटल कोर एक लैरियन। अगर एक लैरियन मिल गया मतलब एग्रोन तो बन ही जाएगा। अगर एग्रोन आ गया 40 पे एग्रोन बन जाएगा। वाह गुड चॉइस।
आजा यार, पांच तो अल्ट्रा बोल रहे गई हैं। अरे यार ग्रेट बॉल देखते हैं, जाओ ग्रेट बॉल। मैं जी ये लैरियन वैसे भी मुझे हट, मैं मार रहा हूँ इसको, दिमाग खराब कर रहा है ये। तो अगर ये बाहर जाने का रास्ता है तो वो ऊपर सीढ़ी किस बात की है, फिर देखना तो चाहिए एक बार जाकर। एक और रास्ता, वाह एक फॉसिल, ओल्ड एम्बर, मतलब ये है, ये मेटा क्रॉस का है। अगर ओल्ड एम्बर मिला है तो इसे कहीं ना कहीं तो फॉसिल से चेंज किया जा सकता है, पर ऐसी कौन सी जगह यहाँ पे फॉसिल्स को चेंज किया जाएगा। हमें मिलता है एचएम 17 प्रोटेक्ट पोकेमोन। पोकेमोन चेंज कर लेते हैं हम। अरे वाह ऐश, अच्छा खलूजा फ्लेम थ्रोअर, तो हमारा आखिरी हमला फ्लेम थ्रोअर, खत्म कहानी। ग्रेनिंजा मेगा एवोल्यूशन, वाह हम करेंगे ड्रैगन क्लॉ। ये हो चुका है मेगा इवॉल्व्ड, अरे यार ये तो गलत बात है। ओ यार मैं नहीं मानता यार इसे, ये तो अपनी मार रहा है। जा यार ऐश का ग्रेनिंजा, जा तक पूरा निकला। अब कोई पोकेमोन नहीं है जो ग्रेनिंजा को हरा सकता, कोई नहीं, गिरोडॉन भी नहीं हरा सकता अब। यार काश मेरा भी ग्रेनिंजा बन पाता ये। क्या ग्रेनिंजा है, ग्रेनिंजा वर्सेस ग्रेनिंजा, शायद ही आइडिया काम करे। या ये तो गलत बात है, वो मूव ही नहीं कर सकता ऐसे तो।
यार बहुत ज्यादा ताकतवर है ये। कोई पोकेमोन नहीं मारा सकता इसे। वाटर ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है ये, वाटर में कभी उसमें कभी उसमें। ये तो हिसाब बढ़िया है इसका, जब मन चाहे उसमें बन जाओ, जब मन चाहे उसमें बन जाओ। यार कोई ना कोई ट्रेन टक्कर ही जाता जिससे हम कभी हरा ही नहीं पाए। अभी एरोन है 8-8 लेवल के सब बैठेगा, इसको तो ऐसे ही मार के परे मारेगा ये। लो खत्म, मैं पोकेमोन हंटर से भी यहाँ पे वापस आता हूँ। तो दोस्तों हमने आखिर में ग्रेनिंजा को हरा ही दिया, इसके सारे पोकेमोन्स को। बहुत टफ था, अरे घास दिख रही क्या ऐश को? अरे यार अभी कोई फाइट का मूड नहीं है मेरा, क्रैबी हो जो मर्जी हो यार, इसका इसका क्या करेंगे हम। अरे यार पोकेमोन की एचपी पहली नहीं है। अरे यार पकड़ ही लिया थी आखिर में, चल आ जा फाइट के लिए। तेरे तीन पोकेमोन मेरे तीन पोकेमोन बराबर का मैच होगा। क्विक अटैक, तो ये ही अगली सिटी पर जाएं कैसे? अच्छा, तो कहाँ है पोकेमोन सेंटर हमारा इकलौता? जल्दी जल्दी ढूंढ लो यार, एचपी बढ़ानी है अपने पोकेमोन्स की। सीधा शिप ही लेके जाएगी हमें, बात करते हैं हमें घरों में जा जाके। ये आइलैंड फिशरमैन्स के लिए है, वाह। कोई नहीं है यहाँ पे भी, सब कुछ ही खाली पड़ा है। रेस्ट कर सकते हैं क्या यहाँ पे? रेस्ट हो जाए बस एक बार, नहीं कर सकते। चलो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जाने देंगे हमें। क्या हमारे पास टिकट नहीं है यार? अब तो हम सर्व कर सकते हैं यहाँ पे।
छी छी मुझे ऐसे बुकें बिल्कुल पसंद नहीं। अब तू फाइट करेगा जरूर हमसे। चलो जी। तो रिएक्शन हो गया। Gyarados. अरे यार रेन डांस। प्रोटेक्ट कर लिया यार। अरे यार क्रैबी। आगे इंसेक्टर सिटी पोकेमोन सेंटर। यार पोकेमोन सेंटर कहाँ गया यहाँ का। हाँ शुक्र। गेम को कर लो सेविंग इंसेक्टर पोकेमोन सेंटर। अब इन लोगों से बात करते हैं क्या हुआ भिखमंगो। अब तुम्हें क्या लड़ाई चल रही है यहाँ पे। ये तो ऐश के दो पोकेमोन है। नहीं ये तो रेड है। ये रेड के सारे पोकेमोन लगे पड़े हैं फाइट करने। करने दो इन लोगों को फाइट। हम करते हैं जिम लीडर को चैलेंज। अरे जिम में तो कोई है ही नहीं। ये क्या चीज है। अबे ये है क्या चीज। ये कोई पजल सी है यार। ये मुझे कोने लग रहे हैं जैसे।
नहीं ये कोना इधर के लिए नहीं है। हाँ ये ऐसे मेरे हिसाब से तो यही सही है। ये उसकी आंखें होंगी। अब ये क्या चीज है? सही तो कर दिया। गिव अप। अब ये मत करना, एक तरह की पजल्स हैं ये। यहाँ पे तो हर जगह पजल्स ही पजल्स हैं। It is locked. Pokemon बैठ करके देखते हैं। तो दोस्तों मुझे वो पजल समझ नहीं आ पाई है, पर मैं जल्दी उस पजल को समझ जाऊंगा और उसे अनलॉक करके आपको वीडियो डाल दूंगा उसकी। तो तब तक हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं फिर कुछ। अच्छा ये सफारी जोन है, हम खेलेंगे। तो ठीक है अब हम चलते हैं अंदर। अच्छा सेव नहीं कर सकते यहाँ पे गेम। अब सफारी जोन को एक्सप्लोर करके देखती तो है। जिगजिगुना Metal X Carnivore
अरे यार बेकार बेकार से पोकेमोन आ रहे हैं। नीचे क्या है? यार सफारी जोन में भी वॉच गो। हाँ लेपर्ड नीरो इनो गया। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का ये पार्ट मैं एंड कर रहा हूँ। कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस पजल को सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी आज का ये पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।